अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत होंगे आप लोग। आई एम नदीम अहमद फ्रॉम कंप्यूटर एजुकेटर। आज हम लोग बात करेंगे कि अमेज़ॉन में कितने टाइप के बिज़नेस मॉडल्स हैं और हम अमेज़ॉन में कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। न सिर्फ अमेज़ॉन ने बल्कि ये काम आप ईबे के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ईबे से या वॉलमार्ट वगैरह पर आप नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक आप अमेज़ॉन के ऊपर ही कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास नंबर वन पे होलसेल FBA, वर्चुअल असिस्टेंट, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल। ठीक है, हम अगर बात करें वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वर्चुअल असिस्टेंट में आप किसी को एज अ इट्से का अगर किसी का अकाउंट हैंडल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वॉलमार्ट का भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, ईबे का भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिस्टम समझना है इसका, अमेज़ॉन किस तरीके से काम करता है। अमेज़ॉन और ईबे की बेसिकली पॉलिसीज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, ईबे की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर रेप्लिका सेल करने की, जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग लेदर जैकेट्स वगैरह सेल करते हैं सेलिब्रिटीज़ के नाम पे, तो उस पर पहले इतना क्लेम नहीं आता था। आज तक अगर मैं 4 साल पुरानी बात करूँ, 3 साल पुरानी बात करूँ, लेकिन अभी लास्ट 3 ईयर से अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक हो गई हैं। अच्छा, ईबे के ऊपर लोग रेप्लिका बेच रहे हैं, दबा के बेच रहे हैं, उधर अभी इतनी पॉलिसी स्ट्रिक नहीं हुई है, लोग बेच रहे हैं। फिर आप हैंडमेड आइटम जो हैं आप इट्से पे लगा सकते हैं, आप वॉलमार्ट पे लगा सकते हैं, तो आप अपनी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो आप इट्से पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, इट्से पे या तो अगर आप अपनी सेल कर रहे हैं, आप अपनी सेल नहीं कर रहे, कोई और बंदा सेल कर रहा है, उसको एज अ वी ए आप सर्विसेज उसको ऑफर कर सकते हैं। वी ए सर्विसेज देना बहुत आसान है, बस ये कि आपको कुछ एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और फिर डिपेंड करता है कि अगर आप होलसेल में काम कर रहे हैं तो फिर भी आप करते करते आप सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी प्राइवेट लेवल के क्लाइंट के साथ आप काम करें, क्योंकि उसमें क्लाइंट का अच्छा खासा पैसा लगता है, पेड मार्केटिंग होती है और डिफरेंट तरह के उसके अंदर जो है ना वो आपको चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। तो और अपने क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट मैंने देखा यार बहुत ज़बरदस्त, ईबे पे इतना सस्ता माल मिल रहा है और अमेज़ॉन पे इट्से पे या वॉलमार्ट पे वो थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, तो हम ईबे की प्रोडक्ट उठाकर हम लगा देते हैं किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर, लाइक अमेज़ॉन पे लगा दी, इट्से पे लगा दी या हमने वॉलमार्ट वगैरह पे लगा दी। वॉलमार्ट के ऊपर अभी इतने लोग काम नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोगों का फोकस अभी अमेज़ॉन के ऊपर ही है, लेकिन स्लो लोग वॉलमार्ट की तरफ भी लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हर चीज़ का एक राइट प्लेस होता है, अभी हर कोई टूटा हुआ है अमेज़ॉन की तरफ, टूटा हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर हर कोई काम कर रहा है। तो अगर आप वॉलमार्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप वॉलमार्ट के ऊपर भी सेल करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या बेनिफिट है आपके पास कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखी हुई है, आपने इन्वेंट्री वहीं आपकी रखी रहे और वॉलमार्ट पर आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो वहीं से अमेज़ॉन के वेयर हाउस से आपने उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका होलसेल FBA के अंदर ये होता है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स से हम कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड्स हम अपने अप्रूव करवाते हैं, अप्रूव करवाने के बाद फिर हम जो अपने क्या कहते हैं हमारे अमेज़ॉन के ऊपर जो हमारा सेलर अकाउंट होता है वहाँ पर हम अपनी इन्वेंट्री रख के हम सेल आउट करते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिसमें हम लोग काम करके अपने पैसे बना सकते हैं, होलसेल FBA, वर्चुअल असिस्टेंट, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।